हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फ्रेंच फ्राई बनाने जा रही हूँ, तो चलिए हम फ्रेंच फ्राई बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 2 पोटैटो, ब्लैक पेपर, चाट मसाला, नमक, फ्राई के लिए तेल। हमने पोटैटो को अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हम इसे पील करेंगे। ये पोटैटो को हम ऐसे आराम आराम से पील कर लेंगे। ये फ्रेंच फ्राई बच्चों को बहुत पसंद है, बड़े तो पसंद करते ही है, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये हमने आलू को पील कर लिया है, अब दूसरा आलू भी हम ऐसे ही पील कर लेंगे। तो इसे हम अच्छे से पील कर लिए हैं, अब इसे हम फ्रेंच स्टाइल में काटेंगे। तो पहले हम इसे पतले पतले अभी आलू को हमने काट लिया है, अब इसको हम एक बराबर शेप में ऐसे ऐसे काट लेंगे। आप थोड़ा मोटा या पतला कर सकते हैं, पर हमने ऐसे साइज का काटा है। अब सारे आलू को हम ऐसे ही काट लेंगे। हमने दोनों आलू को काट लिया है। एक किनारे वाली जो आलू बनती है उसको हम सब्जी में यूज कर सकते हैं। अब इसे हम तुरंत पानी में डाल देंगे। पानी में डालने से आलू का एक्स्ट्रा स्टार्च जो है वो निकल जाता है। ये पानी हमने ठंडा पानी लिया है। पानी में डालने से आलू अपना काला नहीं पड़ता है, इसके लिए हम तुरंत डाल देंगे और इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। 1 लीटर पानी उबलने के लिए रख दिया है, अब हम गैस को ऑन कर देंगे। पानी अपना उबल चुका है, अब इसमें हम आलू को उबलने के लिए डाल देंगे। और इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। ढक्कन लगा के हम इसे 5 मिनट तक उबाल लेंगे। आलू को हमने मध्यम आंच पे 5 मिनट तक पका लिया है, अब हम ढक्कन खोलेंगे। अपना आलू तैयार है, हम गैस को बंद कर देंगे और एक छन्नी के सहायता से हम इसे निकाल लेंगे। आलू अपना सॉफ्ट हो चुका है, अब इसे हम एक कॉटन टॉवल पे उलट लेंगे और इसके पानी को हम अच्छे से पोंछ लेंगे। अभी अपना पानी अच्छे से सूख गया है, एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसे फ्रीजर में 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम इसे 10 मिनट बाद फ्रीजर से निकाल लिए हैं और एक कढ़ाई में तेल गरम किए हैं। तेल इतना गरम किए हैं जिसमें अच्छे से फ्राई हो जाए। अब हम एक पोटैटो पीस डाल के चेक करेंगे। अब अपना तेल तलने के लायक, इसमें हम आलू को छोड़ देंगे और बराबर चलाते रहेंगे। ध्यान रहे, आलू को हमें 2 बार फ्राई करना है,
पहली बार हम 1 मिनट तक पार्सली फ्राई करेंगे। ये अपना पार्सली फ्राई हो चुका है, इसे हम एक किचन टॉवल पर निकाल लेंगे। इसे मैं 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे ठंडा कर ले हूँ। अब फिर से हम इसे गरम तेल में डाल के और 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। इस बार हम इसे डीप फ्राई करेंगे। अब ये अपना फ्रेंच फ्राई डीप फ्राई हो चुका है, इसे हम किचन टॉवल पर निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारे पोटैटोज को फ्राई कर लेंगे। सारे पोटैटोज हमने फ्राई कर लिया है। अब ये गरम गरम पे ही हम नमक चाट मसाला ब्लैक पेपर सब छिड़क लेंगे। ध्यान रहे ये गरम गरम में ही छिड़कना है और थोड़ा सा ऐसे इसे मिक्स कर लेंगे। अब ये अपना फ्रेंच फ्राई बनकर तैयार है। इसे हम कटोरी में निकाल देंगे। अब अपना ये फ्रेंच फ्राई बनकर तैयार है, इसे आप भी बनाइए और टेस्ट कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।